कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की आपको बोलना है, ठीक है। सभी हाथ उठा लीजिए, एक बार हाथ उठाकर बोलना है, सबसे बड़ा उत्सव है। कौन सा उत्सव है? कसी गिरिराज गोवर्धन की पूजा होगी। मैंने कल बताया था, जब ब्रजवासियों ने गिरिराज गोवर्धन की पूजा की, गिरिराज गोवर्धन प्रसन्न हो गए और उन्होंने वरदान दी है, अगर कोई गिरिराज की सेवा में एक अन्न का दाना भोग लगा दे, किसी जीवन में घर में अन्न वस्त्र की कभी अभाव नहीं होगी, घर में माँ लक्ष्मी भरपूर रहेगी। इसलिए आप लोग कौन कौन गिरिराज परिक्रमा लगाए हो ना, वहाँ पर 12 महीना अन्नकूट महोत्सव चलती है। और ये गिरिराज पूजा किसने की थी? स्वयं कृष्ण। केवल एक ही देवता हुए हैं, भगवान कृष्ण ही ऐसे देवता हुए हैं जो केवल श्री अन्नकूट गिरिराज की स्वयं पूजा गिरिराज की है। इसलिए अन्नकूट महोत्सव की बड़ी महिमा है। इसलिए कल आप लोग सबके सब अपना अपना घर से गिरिराज के लिए कुछ ना कुछ लेकर आना, अच्छे तरह से बना करके, कोई कढ़ी चावल हो, नहीं तो शाही पनीर हो, नहीं तो थोड़ी सी पूरी हो, नहीं तो हलवा हो, नहीं तो कोई फल हो, फूल हो, हाँ मिठाई हो, कुछ ना कुछ लेकर के आना। क्योंकि जीवन में एक बार गिरिराज की पूजा करोगे ना, एक जन्म नहीं जन्म जन्म का सारे दुख समाप्ति हो जाएगी। इसलिए कल हम गिरिराज की बड़े धूमधाम से पूजा करेंगे। देखो गिरिराज में कौन कौन गए, हाथ उठाए, देखना वहाँ पर गिरिराज ने पत्थर के ऊपर में पत्थर रखा हुआ। जानता हूँ क्यों पत्थर के ऊपर में पत्थर रखे? जिसको जितने मंजिल मकान चाहिए, जो गिरिराज की शिला के ऊपर में जितने शिला रख देना, ठाकुर जी उसका उतना मंजिली मकान देंगे। अब गिरिराज में देखे होंगे लोग दूध की धार से परिक्रमा लगाते हैं, गिरिराज का अभिषेक करते हैं। बोले क्यों? बोले जिनकी लड़की की घर में शादी नहीं हो रही, लड़का की शादी नहीं हो रही है, जिनकी बिजनेस ठप हो गई, काम धंधा चल ही नहीं रहा है,
अब गिरिराज के पास में जाओ, इसलिए इनका नाम है सर्व अभिष्ट प्रदाता। मतलब जो कुछ गिरिराज से प्रार्थना करोगे गिरिराज सब इच्छाओं को पूरी कर देते हैं। इसलिए हमारे बड़े गुरु जी कहते थे जो व्यक्ति गिरिराज की परिक्रमा करते हैं स्वयं कृष्ण उनको पीछे 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 भागते बिहारी घूमते हैं। ये इतने कष्ट करके मेरी परिक्रमा लगा रहा है, ये हमसे क्या मांगेगा? जो मांगे गिरिराज जी वही दे देते हैं। यहाँ तक बात छोड़ो, हमारी और तुम्हारी इच्छा क्या? इनका नाम है गोवर्धन। गो मतलब बेर, गो मतलब गो, गो मतलब गोपी, गो मतलब पृथ्वी, वर्धन मतलब सबको जो बढ़ाने वाले, सबको जो सेवा करने वाले। कृष्ण पानी कहाँ देते? गिरिराज गोवर्धन की झरना से। कहाँ गैया चराए, कहाँ कुंज कुंज में लीला की? कृष्ण उठाया किसको? गिरिराज गोवर्धन को। इसलिए गिरिराज की बड़ी महिमा, इसलिए कल हम लोग बड़े धूमधाम से यहाँ पर श्री गिरिराज की पूजा करेंगे और गिरिराज की परिक्रमा भी लगाएंगे। जो व्यक्ति गिरिराज की परिक्रमा कर लगाएगा उसका सारी इच्छा गिरिराज जी सारी इच्छा कर देते हैं। इसलिए कल सब कुछ ना कुछ लेकर गिरिराज की पूजा में कुछ कुछ लेकर आना, ठीक है? बोले श्री गिरिराज बाबा की। दोनों बच्चे इधर आओ, हरिनाम पर कुछ बोलना, ठीक है? हरिनाम पर कुछ बोलना। इधर आओ, यहाँ पर हमारे कुछ छोटे छोटे बच्चे है, ये लोग कुछ भगवान की कथा सुनाएंगे। इधर आ जाओ, फटाफटा सुनो, आओ इधर। हाँ देखो सामने आओ, इधर आ जाओ। हम चाहते हैं आपका घर में जो बच्चे लोग हैं ना उसको मार के दे दो। तो बच्चे आपका घर में जो बच्चे हैं ये लोग भी धीरे 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 सीखे कुछ ना कुछ। देखो ये भगवान की कथा सुनाएगा, देखो ऐसे नहीं, ये कुछ काम धाम नहीं करना कर, वो सब तो इंजीनियर है, बढ़िया पैसा कमाता है, नौकरी बढ़िया नौकरी करता है। इधर आ जाओ, इसलिए सामने आओ, इसलिए इसलिए लेकिन भगवान की भजन भी करता है। कैसे नहीं, केवल भजन करता, काम भी करता है, पैसा भी कमाता है, सब कुछ करता है और उसके साथ में भजन भी करता है। इसलिए हम चाहते हैं तुम्हारे घर में जो बच्चे है ना इनको ऊपर में भी कोई संस्कार पड़े, आपका बच्चे लोग भी धीरे धीरे भगवान की भक्ति करें, ठीक है? लेकिन हम लोग क्या चाहते हैं जानते हो, हम तो बच्चों को लिखाएंगे पढ़ाएंगे और बॉलीवुड में हीरो हीरोइन बनाएंगे। बॉलीवुड में हम बच्चों को हीरो हीरोइन बनाएंगे। देखो ये संतों का कहना है, जितने हीरो हीरोइन हुए हैं आप बताओ, 20 साल पहले जो हीरो हीरोइन थे अभी उनका जग में कोई नाम ले रहा है? दुनिया में उसको कोई पूजा कर रहा है क्या? लेकिन हनुमान जी को देखो, तुलसीदास जी को देखो, मीरा को देखो, ध्रुव जी को देखो, नरसिंह भगत को देखो। हनुमान जी कब आए? तृतीया जी में, करोड़ों साल पहले आए। अभी घर घर में हनुमान जी को हम पूजा कर रहे हैं। ये मतलब है जगत में अगर सबसे बड़ा किसकी पद है कति जो भगवान की भजन करता है, इति नाम जगत में अमर हो जाता है। आप बड़े बड़े हीरोइन का नाम सुनो, डायना फाइना जितनी, सबके सब लास्ट में सुसाइड कर मरे, इतने डिप्रेशन में आए, सबके सब इनकी जीवनी देखोगे ना, सब सुसाइड करके लास्ट में मरे। इसलिए जगत में सबसे बड़ा पद है जो भगवान की भजन करते हैं। इसलिए हम चाहते हैं आपका बच्चे पढ़ाई करे, नौकरी चाकरी करे और उसको साथ में भगवान की भजन भी करते रहे, भगवान की भक्ति करे। अब ये बच्चा थोड़ी सी आपको कथा सुनाएगा, देखो कितना था। बोलो गुरुवे गौर चंद्राय राधिकाय प्रदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरु पाद पद्म तुझे पाद परम अधितम श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि धन्यवाद प्रणाम करता हूँ। तदुपरांत मैं नित्य लीला प्रवेश दो विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि धन्यवाद प्रणाम करता हूँ।
संतान तथा समस्त रूपानुवर्ग गुरु परंपरा के चरणों में मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम तथा यहाँ उपस्थित माता भाई बहन हमारे जो सीनियर गुरु भाई इसके चरणों में यथा योग्य दंडवत प्रणाम। महाराज ने कुछ आज्ञा दी है कथा सुनाने के लिए, महाराज जी की आज्ञा है तो मैं थोड़ा बहुत कुछ सुनाने का प्रयास करूंगा। देखो हम लोग यहाँ पे सब बैठे हैं, इस दुनिया में किससे भी पूछो कि तुम कौन हो तो कोई बोलेगा कि मैं फला, कोई बोलेगा मैं स्त्री हूँ, कोई बोलेगा मैं पुरुष हूँ, कोई बोलेगा, सब लोग कुछ ना कुछ ऐसा बोलेंगे कि मैं स्टूडेंट, कोई बोलेगा मैं नौकरी करता हूँ, पर किसी को अपनी असल पहचान पता नहीं कि वास्तव में हम लोग है कौन। कोई बोल रहा है हम आदमी है, हम नौकर है, हम मालिक है, कोई कुत्ता है, कोई बिल्ली, सब दीज और आर बॉडी कॉन्सेप्ट। हमारे इस कौन के जो आचार्य हुए नित्य लीला प्रवेश दर्शन श्रीमद भक्ति वेदांत शिल स्वामी महाराज, उन्होंने उनके लेक्चर में बात है, कोई सोचता हम क्या है दीज ऑल आर बॉडीली कॉन्सेप्ट कि हम एक शरीर है। लेकिन भारत में ये विदेश में जाओगे ना सब ये कोई बोलेगा कि हम शरीर है हमारे, ये सब शरीर के से रिलेटेड अपने बारे को बताएंगे, लेकिन भारत में एक एक को मालूम है, ये भारतवासी की बड़ी कृपा। अच्छा भारत में बताओ कि हम शरीर है कि क्या है, बताओ क्या है, सबको पता है भारत में कि हम लोग आत्मा है। हम लोग क्या है, हम लोग कौन है, हम शरीर नहीं है, हम एक आत्मा है। इसीलिए जो आत्मा का धर्म है, शरीर के कई धर्म हो सकते हैं, जैसे कोई स्त्री है तो उसका पति का सेवा करना उसका धर्म हो सकता है, कोई पुरुष है परिवार का पालन करना ये सब उसका धर्म हो सकता है, देश के प्रति कोई हमारा कर्तव्य हो सकता है, कुछ कोई सब कर्तव्य है सबके प्रति, बच्चों के प्रति, माता पिता के प्रति, जिस भूमि में हमारा जन्म हुआ उस भूमि के प्रति, देश, हम जो जिस जिस से हमें कुछ मिलता है उन सबके प्रति हमारा कुछ कर्तव्य है। लेकिन धर्म क्या है, कोई बोलता मुसलमान धर्म है, कोई बोलता है हिंदू धर्म है, कोई बोलता ये धर्म है, सब अलग अलग हम बताते ना, लेकिन वास्तव में धर्म है क्या, तो वास्तव में धर्म बताते हैं हमारे शास्त्रों में बताते जीवेर स्वरूप हुए नित्येर कृष्णेर, मतलब जो जीव है जो आत्मा है उसका क्या है, उसका धर्म क्या है, भगवान की सेवा करना, भगवान का वो दास है। और जब हम किसी के दास होते हैं तो हमारा क्या धर्म होता है, जिसके हम दास है उसकी हमें सेवा करना, इसलिए हमको किसकी सेवा करनी चाहिए, भगवान की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि हम भगवान के अंश, भगवान गीता में बोलते हैं ममे वंश जीव लोक जीव भूत सनातन मन षष्ठेन्द्रियाणि, हम किसके अंश है, भगवान के अंश है। अभी कोई बोलता है ये भगवान है, कोई बोलता है कितने सारे भगवान है, अभी हिंदू में देखेंगे ना जो संस्कृति है, कोई बोलेगा गणेश जी भगवान है, कोई बोलेगा शिव जी भगवान है, सब अलग अलग सब भगवान, इसलिए कोई इधर भागता है, कोई उधर भाग रहा है, सब इधर भाग रहे। लेकिन जब तक हम गीता नहीं पढ़ेंगे, जब तक हम रामायण नहीं पढ़ेंगे, जब तक हम भागवत नहीं पढ़ेंगे, जब तक हम वास्तव में पता ही नहीं चलेगा कि भगवान कौन है, हमें क्या करना चाहिए, हमारा वास्तविक धर्म है क्या। धर्म तो मैंने बताया, यही बताया शास्त्र में जीवेर स्वरूप है नित्येर कृष्णदास, हम कृष्ण के नित्य दास है, कृष्ण की सेवा करना ही हमारा धर्म है। अब क्या कृष्ण भगवान है इसका कोई सबूत है क्या, कहीं कोई प्रमाण है, प्रमाण है गीता में, देखो अन्य शास्त्र में शिव जी बोले ये बोले, कहीं भी ऐसा लिखा नहीं आता भगवान उवाच, लेकिन गीता में जब अर्जुन बोलते हैं तो लिखा आता है अर्जुन उवाच, लेकिन जब कृष्ण बोलते हैं तो वहां ये नहीं लिखा आता कृष्ण, वहां लिखा था भगवान उवाच। ये भगवान का अर्थ क्या होता है, ये भगवान का अर्थ क्या होता है, भगवान का अर्थ होता है भग मतलब ऐश्वर्य, वान मतलब जिसमें ऐश्वर्य पूर्ण मात्रा में हो वही भगवान हो सकता है, ऐश्वर्य मतलब जो सबसे सुंदर हो, जो सबसे बलशाली हो, हा? जो सबसे जिसमें सबसे ज्यादा करुणा हो, दया हो, ये ऐसे के छह जिसके अंदर पूर्ण मात्रा में होते हैं वही भगवान हो सकता है। अब आपको देखना पड़ेगा क्या ये गुण किसी में है पूरे पूरे। देखो आजकल हम सब, आप सब जानते हो टीवी में आता है रामावन ने अपने आपको भगवान बोला है ना, वो भगवान आचार्य रजनीश भगवान, सब भगवान भगवान बोल रहे हैं कि नहीं। अब आप देखो ये मैंने बोला भगवान का अर्थ है, हमारे बताते हैं कि भगवान का अर्थ क्या है, भगवान भग मतलब ऐश्वर्य जिसमें पूर्ण मात्रा हो वही भगवान हो सकता है। अब बताओ ये जो बाबा अपने आप को भगवान बोलते हैं, कुछ मुसलमान बाबा भी अपने आप को भगवान बोलते हैं, हिंदू बाबा भी भगवान बोलते हैं। अब देखो भगवान जो है वो इतने सुंदर है, जो दुनिया में सबसे सुंदर है भगवान की शक्ल देखो, एक से एक डाउन है अपने आप को भगवान बोलते हैं।
सब भगवान बोल रहे हैं। और बोला भगवान भगवान को कभी देखा, भगवान की देखो राम जी की कृष्ण की सबने फोटो देखी, देखे कभी दाढ़ी देखी, भगवान का स्वरूप क्या है? सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्ति हेतु वे तापत्रय विनाशाय कृष्णाय वयम्। भगवान सत चित और आनंद स्वरूप है, सत्य स्वरूप है, चित यानी ज्ञानवान, भगवान से बड़ा कोई ज्ञानी नहीं है। और सबसे भगवान के अंदर आनंद स्वरूप है भगवान। इस दुनिया में सभी जीव, हम भी देखो सुबह से उठ के शाम तक जो भागते हैं, नौकरी करने जाते हैं, खाना बनाते हैं, खाते हैं, क्यों खाते हैं? ताकि हमको आनंद मिले, आनंद मिले, इसलिए तो भागते हैं ना हम लोग, सारा दिन भागते हैं, सब भाग रहे। कुत्ते को देखो सारा दिन भागता रहता, भागता रहता, भागता रहता, सब भागते रहते हैं, हम लोग भी भाग रहे। क्यों भागते हैं? कि हमें आनंद मिले। अच्छा, सारे जीवन में सारे जीव आनंद ही क्यों चाहते हैं बताओ? आनंद चाहते ना सब लोग सुनना, सब लोग तो दुनिया में दो ही चीज चाहते हैं कि हमारे पास सुख आए और दुख चला जाए, यही चाहते हैं ना सब लोग। और सुख आए और दुख चला जाए, हम हमेशा आनंद में रहे, ऐसा ही क्यों चाहते हैं हम लोग? ऐसा इसलिए चाहते हैं। अच्छा, अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ। अब एक बात बताओ, एक छोटा बच्चा है, एक छोटा बच्चा होता है घर के अंदर, वो उसको मान लो कोई चीज पसंद है, अमुक अमुक मिठाई उसको बड़ी पसंद है, तो हम बोलते हैं इसके पापा को भी ये मिठाई पसंद है, देखो इसमें भी इसके पापा का गुण है, इसकी देखो शक्ल इसके पापा से मिलती है। हम लोग बोलते हैं ना, जो माता पिता में गुण होते हैं वो बच्चों स्वाभाविक रूप से आते हैं। भगवान गीता में बोलते हैं जीव कौन है, भगवान गीता में बोलते हैं ममेव वांश जीव लोक जीव भूत सनातना, कि है अर्जुन ये जितने जीव ये मेरे ही अंश है। और मेरा भगवान का रूप क्या है? सत चित आनंद, भगवान आनंद स्वरूप है। तो भगवान का अंश होने के कारण उस आनंद की खोज हमें भी रहती है, हमें भी वही आनंद की खोज रहती है, क्योंकि हम भगवान के पुत्र हैं, हम भगवान के सनातन पुत्र हैं, इसलिए हमें भगवान की में जो गुण है वो हमारे अंदर भी गुण है थोड़ी मात्रा में। हम भी भगवान जैसे, भगवान हमेशा आनंद में रहते हैं, हम आनंद की खोज में रहते हैं। लेकिन हम आनंद कहाँ पे खोजते हैं? कोई देखो, कोई आदि व्यक्ति होगा तो पति पत्नी पुत्र आदि में ढूंढेगा, कोई नास्तिक कोई ऐसा शराबी व्यक्ति होगा तो दारू में ढूंढेगा, है ना, कोई जुआरी होगा तो जुए में सुख ढूंढेगा। लेकिन वो सुख ढूंढते 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 मर जाता है, लेकिन उसको कभी सुख जीवन में मिलता नहीं। लेकिन आनंद क्या होता है? एक उसको बोलते हैं मृग मिर्ची, उसको इंग्लिश में बोलते हैं मिराज। क्या होता है? रेगिस्तान में पूरा सा मिट्टी मिट्टी होता है, दूर तक रेगिस्तान, गर्म रेगिस्तान, उसमें एक हिरण फंस गया, हिरण चला गया शहर से, दूर आ गया रेगिस्तान गया। अब रेगिस्तान में क्या होता है ना, थोड़ी दूर में ऐसा लगता है पानी है और बड़ा पेड़ लगा हुआ है, ऐसा भ्रम होता है, ऐसा भ्रम होता है। और हिरण जो पहले जैसा है वो उस पानी की तरफ दौड़ता है तेजी से कि वहां जाकर मेरे को पानी मिल जाएगा, लेकिन वो वहां जाकर देखता तो पानी है ही नहीं, क्या है वहां पे? रेती रहते। फिर दिखता उसको वहां पानी है, वो वहां आगे भागते भागते जो ऊर्जा थी ना उसमें वो भी चली जाती है और प्यास के हमारे छटपटाते हुए मर जाते हैं। इसको बोलते हैं मृग मेरी चीज। तो यही हमारे साथ भी होता है। हम सोचते हैं, देखो मैं तुम अपना बता सकता हूँ। जब हम लोग 8th क्लास में आए ना तो घर वाले सब बोले बस 8th क्लास कर लो, इससे बड़ी कोई बोर्ड क्लास नहीं, बस इसका पास कर लो, ये सबसे बड़ी बोर्ड क्लास है। 8th क्लास पास कर ली, बोला 8th पास हो गई, अब 10th आ रही, 10th पास करना है। वो 10th में फिर भिड़ के पढ़ाई करो, वो 10th में भी पास कर ली, और 10th में अच्छे नंबर ले आए ना, समझ लो पूरी जिंदगी तुम्हारी सुधर गई। वो 10th भी पास कर ली, फिर बोलते 10th वेल्थ कुछ नहीं है, तो सिर्फ मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ है, 12वीं सबसे इंपॉर्टेंट होती है। 12वीं बोर्ड में पढ़ पढ़ के अच्छे नंबर लाके पास हो गए, बोला 12वीं तो यूं, जब कॉलेज अच्छा मिलेगा जब पता चलेगा, कॉलेज अच्छा मिलेगा जब कुछ तुम्हें पता चलेगा कि क्या होता है पढ़ाई। कॉलेज में भी चले गए, इंजीनियरिंग भी कर ली, सब कर लिया, बोला कॉलेज वॉलेज पढ़ लिया, सब कर लिया, जब तक नौकरी नहीं मिलेगी सब किसी काम का नहीं, ऐसा बोलते। अच्छा, ऐसा होता है कि नहीं होता? ऐसा ही होता है ना, अभी नौकरी भी कर ली, सब कुछ कर लिया, बोला अभी कितने, बोला अभी 5 लाख मिलते, 5-10 लाख मिलेंगे ना जब कुछ बात ऐसे करते करते, फिर बोलेंगे शादी होगी तब कुछ बनेगी, फिर बोलेंगे बेटा होगा तब कुछ बात, ऐसे बोलते 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 जब वो मर जाएगा ना, जब वो आदमी मर जाएगा फिर उसको बोलेंगे अरे मर गया, फिर बोलेंगे अरे झूठा, राम नाम सत्य है, एंड में ये बोलते ना सब लोग राम नाम सत्य। देखो एक बार क्या था, एक बेटा उनका बाप, दोनों बाप बेटा खड़े हुए थे, बालकनी होती है ना घर के बाहर, उसमें खड़े हुए थे, उन्होंने देखा दूर से ना एक शव यात्रा निकल रही है, कंधे पे चार लोगों ने किसी को बिठा रखा है, लेटा हुआ एक आदमी जो मर गया, उसको सब लोग राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य ले जा रहे ना,
तो बच्चे तो प्रश्न करते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उसने बोला पापा पापा ये क्या कर रहा है? तो बोले बेटा ये है ना, ये जो व्यक्ति जो मर गया ना, ये व्यक्ति मर गया। बोलो पापा मरने का मतलब क्या होता है? तो बाप बोले ये मरने का मतलब क्या बताऊं मैं इसको? तो बोलता मरना मतलब अब ये खा नहीं सकता, अब ये सुन नहीं सकता, ये कुछ नहीं कर सकता, अब ये मर गया, अब इसको जला देंगे। तो बेटा बोला अच्छा जला देंगे? बोले हाँ। बोले पापा ये जो लोग बोल रहे हैं ये क्या बोल रहे हैं? तो बाप बोलता है ये बोल रहे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य, ये इसको सुना रहे। बोले ये राम नाम सत्य का मतलब क्या होता है पापा? तो वो बाप बोलता है बेटे को सब समझा रहा है, बेटे को समझा रहा है बेटा ये दुनिया ना सब झूठी है, राम नाम सत्य। बोले पापा ये इसको क्यों सुना रहे, ये तो मर गया है तो सुन नहीं सकता। तो बोले बाप तो सही बोल रहा है, ये इसको नहीं, वो राम नाम सत्य और जो मर गया उसको नहीं सुना रहे, वो हमारे लिए है, तुम्हारे लिए है कि राम नाम ही सत्य है। दुनिया में सब कुछ बात झूठी है, एक सबसे परम सत्य बात क्या है? राम नाम सत्य। हमारे सबको पता है चार युग होते हैं ना, सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग। चार युग होते हैं, चारों युग का अलग अलग धर्म है। सतयुग का धर्म होता है तपस्या, किसी युग का धर्म है दान, द्वापर का जो द्वापर युग है उसका धर्म है अर्चन, भगवान की अर्चन करना, ये सब ना हवन ये। लेकिन जो कलयुग है, जिस युग में हमारा जन्म हुआ है, इस युग का धर्म क्या है? धर्म होना चाहिए ना, हर युग का अपना धर्म है, तभी तो बात बनेगी। जैसे मान लो आज आप हो, आज हम लोग प्लेन से जाते हैं, ट्रेन से जाते हैं, सब जमाना बदल गया ना। लेकिन मान लो आज जो है आपको यहाँ से अमेरिका जाना है और आप बोलोगे नहीं मैं तो पैदल जाऊंगी, तो मूर्ख है। इसलिए हर युग का अपना धर्म है, अपना अपना एडवांसमेंट होता जाता है, बदलता जाता है। इसलिए कलयुग में क्या धर्म? तो गोस्वामी तुलसीदास जी बताते हैं कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेर सुमेर उतरे ही पारा। केवल नाम आधार है, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ भगवान का नाम करना है। इसको क्या और भी कोई प्रमाण है? हाँ, हमारे शास्त्र में और भी प्रमाण है। कैसे प्रमाण है? देखो कलयुग में नाम का नाम श्रेष्ठता कैसे? अली काले नाम रूपे कृष्ण अवतारा, नाम है तिहाय सर्व जगत निस्तारा। नाम बिना कली काले नहीं आर धर्म, सर्व मंत्र सार नामे शास्त्र मर्म। शास्त्र का मर्म, मर्म मतलब निचोड़। सभी शास्त्रों का निचोड़ क्या है? केवल भगवान का नाम, और कुछ भी नहीं करना है। घर में हो घर में करो, वन में हो वन में करो। हमारे एक संत हुए, उन्होंने कीर्तन लिखा बड़ा सुंदर, उसमें कहते हैं गृह ठाको बने ठाको सदा हरि बोले ठाको। मतलब घर में हो तो घर में भजन, वन में चले तो वन में। कुछ करने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं छोड़ना, सिर्फ भगवान से जोड़ना है। इतना आसान है, जहाँ बैठो बस एक ही चीज करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लेकिन देखो हर चीज का एक तरीका होता है, हर चीज की एक विधि होती है ना। जैसे डॉक्टर जो है दवाई देता है, डॉक्टर दवाई देता है ना, लेकिन डॉक्टर दवाई दे दे काम क्या? ऐसे नहीं होता। सबसे पहले हमें जानना पड़ता है कि हमारी बीमारी क्या है। डॉक्टर से क्या देखता है कि इसकी बीमारी क्या है, पहले बीमारी ठीक होगी उसके बीमारी को जान दवाई ले। लोग जो है बद्ध जीव है, कलेश फंसे, दुख में घेर रखा है, दुखों ने बड़े दुखी है, इतनी बात तो पता चल गई कि हरि नाम से हमारा जो है उद्धार हो सकता है। लेकिन क्या कोई प्रिकॉशन भी है? कुछ परहेज भी तो बताता है ना डॉक्टर, कुछ परहेज करना, ये करना। सबसे पहले इस नाम को लेने की हमें विधि सीखनी होगी। तो अगर मैं किसी को गोली मारूं, बंदूक की गोली सबको पता है ना कैसी होती है, बंदूक की गोली अगर मैं हाथ में लूं और किसी को ऐसे फेंक के मारूं तो वो कितना कसर करेगी? खरोच आ जाएगी उसको, थोड़ी सी खरोच आ जाएगी, थोड़ी बहुत चोट लग जाएगी। लेकिन उसी गोली को मैं बंदूक में भर के मारूं तो मजा। इसलिए भगवान का नाम तो बड़ा श्रेष्ठ है, जो जपेगा कुछ ना कुछ फायदा जरूर होगा उसका। लेकिन अगर भगवान का नाम किसी सदगुरु से लिया जाए तो समझो बंदूक, बंदूक में जैसे गोली भर के चलाएंगे ना, वो ऐसे हरि नाम चलेगा, ब्रह्मांड को भेजते हुए सीधे भगवान के गोलोक धाम तक वो जाएगा, और हमारे जो है तब जाके हमारा उद्धार होगा। इसलिए सबसे पहली बात है गुरु पद आश्रय। एक सदगुरु के बिना कुछ नहीं हो सकता, गुरु बिना भव नहीं। देखो तो देखो रामायण लिखी ना तुलसीदास जी ने, रामायण लिखी, रामायण तो
भगवान की समाधि में दर्शन हो रहा था। लेकिन सबसे पहला पद क्या लिखता है, बंदव गुरु पद पदम परागा सुचि वास सरस अनुरागा, गुरु बिना भवनिधि तरई न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। बिरंची मतलब ब्रह्मा, शंकर कोई भी हो, गुरु के बिना कोई भवनिधि तर नहीं सकता। जहाँ पर भी हो, गृह थाको बने थाको सदा हरि बोले डाको, बस हाथ उठा उठा के हरे कृष्ण बोले, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 बस वृंदावन बिहारी लाल की जय, बस हरि नाम संकीर्तन की जय हो। हाँ, आप लोग चाहते हो आपका बच्चे इसे बने, हम चाहते हो कि नहीं चाहते हो, लेकिन हमारे बच्चे को पूछो, सारे दुनिया की अंटस अंटस अभी याद कर लिए, सारी गंदी गंदी। तो ध्यान देकर सुनो, मैं कुछ दिन पहले गया था कथा करने के लिए जयपुर। मैं जब कथा करके आ रहा था, देखा एक मुसलमान का 5 साल का बच्चा पतंग उड़ा रहा था। मैंने उसको पूछा तेरा नाम क्या है, फिर उसका नाम से पता चला वो मुसलमान। मैंने कहा तेरे प्राण आती है, वो छाती भुआ करके बोला हाँ मेरे को कुरान आती है। मैंने सुना क्या कुरान आती, उसने धड़ाधड़ा कुरान बुलाना शुरू कर दिया। मैंने पूछा ये बताओ तुम्हारी धर्म में कितने साल उम्र में तुमको कुरान सिखाई जाती। अब ध्यान देख रहे सुनो हिंदू लोग, वो बच्चा कहता है हमारी धर्म में 2 साल उम्र में कंपलसरी उसको कुरान पढ़ाया जाएगा, कंपलसरी। इसे हम लोग देखना, शुक्रवार को देखना हमारे जो मुसलमान भाई लोग मेन रोड में बैठ करके 5-10 साल बच्चों को टोपी पहना करके मेन रोड में कहीं भी मिलता है बैठ कर अपना कुरान पढ़ते हैं, है ना, कुरान पढ़ते हैं। लेकिन हमारे बच्चों को हमारे जैसे मेन ग्रंथ गीता है, किसी बच्चे को पूछो तेरे को गीता का कोई श्लोक आती है कोई गीता है? हमारे जितने हिंदू भाई खड़े पूछो कि गीता की श्लोक आती है? नहीं। जितना हीरो हीरोइन क्रिकेट मैन जितने गंदे गंदे चीज को बच्चे सारी याद, स्मार्टफोन चलने में एक्सपर्ट है, जो बड़े लोगों को पता नहीं उनको ये सारी बात पता है, सारी गंदी चीज। बताओ ये बच्चों के अंदर संस्कार कहाँ से आएगी? ये बच्चे हम सोचते हैं बच्चे हमारी बात नहीं सुनते, बच्चे हमारी सेवा नहीं करते, कहाँ सेवा करेंगे तुम्हारी? सारे बच्चों को तो तुमने स्मार्टफोन 20,000 रुपया का तुमने दे दिया, लेकिन एक कभी तुमने बच्चों को बोला नहीं भैया बैठ कर एक गीता पढ़ो, थोड़ी सी एक श्लोक पढ़ो, नहीं तो रामायण थोड़ी पढ़ो, नहीं तो एक माला जप कर। तुमने कभी बताया है बच्चों को कभी? लेकिन 10-10, 20-20 हजार का स्मार्टफोन बच्चे को तुमने पढ़ा दिया, तो बच्चे का क्या कल्याण होगा बता? बच्चा कहाँ सुधर सकता है? हम लोग एक कथा, एक इंडोनेशिया नाम सुनो, इंडोनेशिया ये मुसलमान कंट्री है, इंडोनेशिया के लोग हमारे भारत से एक मुरारी बाबू का नाम सुने होंगे, राम बहुत अच्छी कथा करते हैं, वो यहाँ से बुला बुला करके भारत से मुसलमान देश लोग यहाँ से उनको ले जाते हैं, बोले हम रामायण सुनना चाहते हैं। बोले क्यों? बोले रामायण सुनने से हमारी घर की जो बहू बेटी वो सती बनेगी, क्योंकि भगवान राम ने सिखा दी वो धोबी ने आते समय कोई एक रात नहीं रुक गई, दूसरे दिन वो धोबी ने बताया जिस रात तुमने बिताया जिसको घर में सारा जीवन उसी घर में रहो। इसलिए भगवान राम अपना सीता को चिरकाल के उन्हें वनवास में भेजे। बोले क्यों? बोले घर के बहू बेटी सती बन करके रहे और भाई भाई में कैसे प्रीति होनी चाहिए। देखो भरत है, भगवान राम जब वनवास गए देखो कई कई ने राज्य मांगी, लेकिन भरत ने राज सिंहासन में बैठा, बोले नहीं राम चरण की पादुका को हम पूजा करेंगे, भाई भाई में कैसे प्रेम है। और भगवान राम सवेरे उठ करके बोले प्रात उठ ही रघुनाथा मात पीत गुरु नमई माथा। अभी कोई पिता माता की चरण छूते है घर में बच्चे? कोई बच्चे पिता माता की चरण छूते है? बोले क्यों नहीं छूते, कारण है हमने ये रामायण नहीं पढ़ाते हैं, बच्चों को ये गीता नहीं पढ़ाते, स्मार्टफोन पकड़वा देते हैं, लोग इसको पढ़ करके इसको लेकर के जिंदगी को बर्बाद करो, लेकिन नहीं कहते भैया थोड़ा गीता रामायण पढ़ो, ठीक है ना, इसलिए बच्चों को थोड़ी गीता रामायण पढ़ाओ, देखना बच्चे 100% तुम्हारी
सेवा करेंगे ही, करेंगे जरूर सेवा करेंगे। क्यों? उनके अंदर में संस्कार आएगी, उसके अंदर में संस्कार बनी रहेगी, ठीक है ना। इसलिए सबके सब गीत भागवत और मेरे तरफ में देखो, उधर क्या सब देख रहे हो? हाँ ठीक है। अभी देखो ये बच्चा के इसके भी थोड़ा कथा सुनाए। ये सब बच्चे इंजीनियर है, अच्छी अच्छी नौकरी करते हैं, लाख रुपया की इनकी तनख्वाह है, लेकिन देखो पढ़ाई भी कर रहे हैं, भक्ति भी करते हैं और कितने सुंदर सुंदर कथा सुनाते हैं। आपका बच्चों को पूछो तो सारा दुनिया की अंत संत सब याद कर दिए होंगे, लेकिन कोई भगवान की बोलो बात मुंह खुलेगा नहीं। लेकिन हम चाहते हैं आपका सारे बच्चे को अंदर में भी ये संस्कार बने, बच्चे आपके संस्कार बने, आपका घर घर भगवान की धाम बन जाए, ठीक है ना। अभी तो कोई बच्चा भी थोड़ी सी हम कर रहे हैं। अज्ञान के मेरे अंदर से ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन मिलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे। बात जोर करके बोलो, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। तदुपरांत मेरे अभिष्टम विष्टादश्रोतर्ष श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण स्वामी महाराज के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। समस्त गुरु परंपरा के चरणों का आश्रय लेता हूँ। यहाँ उपस्थित वैष्णव वैष्णवी माता पिता प्रभु सभी के चरणों में मैं यथा योग्य प्रणाम करता हूँ। देखो महाराज जी के मुखारविंद से इतनी मीठी मीठी हरिकथा सुन रहे हो, बिल्कुल मिश्रित है। हमारे गुरुजी का कंठ जो है बहुत सुंदर है, तो इतनी मीठी मीठी हरिकथा चल रही है और उसके अंदर महाराज जी ने मुझे खड़ा कर दिया, बिल्कुल फीका लगेगा बोलना, लेकिन महाराज जी का आदेश हुआ है तो मैं बोलूंगा और आप लोग को झेलना पड़ेगा। महाराज जी भगवान से भागवत कथा आपको सुना रहे हैं और उसमें आपको सोचना चाहिए कि बहुत सौभाग्य की बात है, आप लोग भगवान की कथा सुनने आ रहे हो। सब लोग बहुत बिजी होते हैं, आज स्पेशली संडे होता है, कुछ लोग यहाँ वर्किंग भी होंगे, लेकिन उसमें से भी टाइम निकाल के काफी लोग आप श्रद्धा से जो सुनने के लिए आ रहे हो। भागवतम में वर्णन आता है, देखो कि जब रासलीला का वर्णन आता है तो उसके अंदर जब गोपियां अपने घर छोड़कर और भगवान कृष्ण के पास आई थी, तब जो है भगवान कृष्ण ने भी उनका स्वागत किया। स्वागतम हो महाभागा प्रियम किम कवाणी वह, भगवान कहते हैं कि गोपियों तुम्हारा स्वागत है। स्वागत क्यों किया उनका? क्योंकि वो भगवान कृष्ण के पास आई है, कृष्ण की सेवा के लिए आई है। और एक जगह पर वर्णन आ रहा है कि जब जो भगवान कृष्ण है ग्वाल बालों के साथ घूमते घूमते भातरौल एक जगह वृंदावन में, तो फिर वहां गए थे, तब जो है भगवान कृष्ण के सखाओं ने बोला कि कन्हैया बड़ी भूख लगी है, कहीं से थोड़ा सा प्रसाद का व्यवस्था कर दो। तो उन्होंने कहा कि यहाँ के पास में जो है यज्ञ पत्नियां रहती होगी, तो वहां पर जाओ, कुछ ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे हैं, तो उनसे मेरा नाम ले लेना और भोजन मांग लेना, वो लोग जरूर देंगे। तो उनको जो है जब बोल के तो कृष्ण के सखा लोग ब्राह्मणों के पास में गए और बोला कि यहाँ कृष्ण और बलराम आए हैं, थोड़ा सा भोजन दे दो। तो वो लोग तो क्या यज्ञ कर रहे थे और उन्होंने उनको वहां से भगा दिया ये कहते हुए कि हम उस ग्वाले के लिए कुछ नहीं देंगे, हम लोग यज्ञ करेंगे तो उसकी आहुति के लिए सारा सामान है। तो वापस वो लोग आ गए और कृष्ण से कहते हैं कि कन्हैया तुम तो बड़े बड़े डिंगे हाँक रहे थे कि तुम्हारा नाम सुनते ही वो प्रसाद दे देंगे, उन्होंने तो हमको भगा दिया। बोले कि उनकी पत्नियों के पास गए थे? बोले उनकी पत्नी के पास तो गए नहीं, दोबारा भेजा और बोला कि उनकी पत्नियों के पास जाना। जैसे ही उनकी पत्नियों ने ऋषि मुनियों से पत्नियां दी, उन्होंने सुना कि भगवान कृष्ण और स्वयं बलराम आए हैं हमारे, तो उनके तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तो कुछ भी सामग्री वहां उनके बड़े बढ़िया बना के और अपने सिर पे ले लेकर और भगवान कृष्ण के दर्शन के लिए उनकी सेवा के लिए जा रही। तो उसमें भी जो ठाकुर जी का स्वागत किया है, क्यों? तो इस वजह से जो है क्योंकि वो लोग बहुत ही सौभाग्यवान थी। ऐसे ही आप लोग जो है अगर कथा में आए हो तो कथा में आने का आपको बहुत ही अच्छा फल मिलेगा और आप लोग सच में अपने सौभाग्य का अनुमान ही लगा सकते हैं। लेकिन इससे एक शिक्षा लेनी चाहिए कि आप ऐसा नहीं भागवत में आए यहाँ पर चार पांच घंटे जितने कथा बैठे सुना और यहीं पे बस पल्ला झाड़ के और चले गए। यहाँ से जो है कुछ ना कुछ शिक्षा जरूर लेके जाओ। इतने सात सात दिन तक इतनी व्यवस्था इनको करी है करने वालों ने भी और महाराज ने भी पूरी एनर्जी लगाकर आप लोग को सुना रहे हैं, तो उससे कुछ ना कुछ शिक्षा जरूर लेनी चाहिए। देखो मैं एक कथा सुनाता हूँ, एक राजा की कथा सुनाता हूँ, वो हमारे जीवन पर आधारित वही कथा है, तो उससे जो है हमारे लिए क्या शिक्षा है वो मैं बताने की कोशिश करूंगा, आप लोग थोड़ा सुनना। एक राजा होता है
उसकी चार पत्नियां होती है, ठीक है। पहली पत्नी वो क्या होती है, उससे बड़ा प्रेम करता है राजा, उसको जो भी चीज की जरूरत होती है वो उसको देता है लाकर, उसको साड़ी साबुन सब चीज लाकर देखा है, और जब जब जरूरत पड़ती है उसको उसको अच्छे से उसका ख्याल रखता है, ठीक है। दूसरी रानी होती है, वो बहुत सुंदर होती है, तो उस रानी को क्या करता है, जब भी अपने राज्य में घूमने जाता है तब उस रानी को अपने रथ पर बिठा के और सब लोगों को दिखाता चलता है कि देखो मेरी दूसरी रानी जो ये कितनी सुंदर है, बहुत ही सुंदर, वो जो उसको श्रृंगार करवा के और अपने रथ पर बिठा के पूरी दुनिया को दिखाता हुआ, पूरे राज्य में उसको दिखाता हुआ घूमता है। तीसरी रानी होती है, वो क्या होती है, वो बहुत मीठी मीठी बातें करती है राजा से, तो अपने राजमहल में बैठे बैठे उससे बहुत ही मीठी मीठी बातें करता था। एक चौथी रानी होती है, चौथी रानी पर उसको ध्यान नहीं देता, पूरा जो उसको नेग्लेक्ट करके रखता है, कभी उससे पूछता नहीं कि तुम्हें किस चीज की जरूरत है, कभी उसकी तरफ उससे ज्यादा बात भी नहीं करता है। अब क्या होता है, राजा की जो है अंतिम समय आता है, राजा मरणासन स्थिति पर होता है, वो सोचता है कि मेरी जो तीन चार रानियां हैं और पूरा जीवन तो मैंने इनकी सेवा करी, मैंने इनका खूब ख्याल रखा, चलो मैं पूछता हूँ मेरे साथ कौन जाएगा। तो पहली रानी से वो पूछता है कि बोले कि मैं मरने वाला हूँ, मेरे साथ में चलोगी? तो पहली रानी तुरंत मना कर देती है, बोले कि मैं तुम्हारे साथ क्यों जाऊंगी, बोले मैंने तुम्हारा इतना ख्याल था, तुमको जो चीज चाहिए होती थी वो मैंने ला कर दिया, हर चीज का तुम्हारे जो पूरे तरीके से ख्याल रखा और तुम मेरे से मना कर रहे हो। बोले कि तुमने मेरा ख्याल रखा वो तुम्हारा कर्तव्य था, मैं तुम्हारे साथ एक कदम भी नहीं चलूंगी, ठीक है। दूसरी रानी राजा को, राजा को बड़ा दुख होता है ये चीज सुन के कि मैंने पूरा इतना उसका ख्याल रखा और सबसे पहले इसने मना कर दिया। दूसरी रानी जो थी उससे पूछता है, दूसरी रानी कौन सी थी, जो बहुत सुंदर थी। तो दूसरी रानी से पूछता है क्या तुम साथ में चलोगी, दूसरी रानी बोलती है कि तुम मेरी तरफ देखते नहीं कितने सुंदर हो मैं, कितने गुणवान, मैं देख रही हूँ कि तुम कब मरोगी और मैं दूसरे से शादी कर लूंगी, ऐसा बोलती है। ये सुन के राजा बड़ा ही दुख हुआ है। फिर बाद में वो जो है तीसरी रानी से पूछता है, तीसरी रानी कौन सी थी, जो मीठी मीठी बातें करती थी। तीसरी रानी से पूछा कि तुम साथ में चलोगी, बोले राजा तुमने जो है तुम्हारे साथ में तो नहीं चलती हूँ, तो थोड़ा कहोगे तो ठीक है, थोड़ा दो कदम तक आगे चलूंगी। बोले दो कदम चलना भी कोई चलना होता है, उसके भी बिल्कुल उस सुन के भी बहुत ही दुख होता है राजा को। चौथी रानी होती है, चौथी रानी से पूछता है कौन सी, जिसको एकदम नेग्लेक्ट करके रखा था, जिससे कभी बात करता नहीं था ज्यादा, उससे पूछा कि तुम मेरे साथ में चलोगी, तो वो एक रानी बोलती है कि हाँ राजा मैं तुम्हारे साथ में चलूंगी, तुमने पूरे जीवन जो है मुझसे कुछ ठीक से बात नहीं करी, मुझे बहुत नेग्लेक्ट करके रखा, लेकिन जैसे भी तुम रहोगे वैसे तुम जैसे रखोगे, सुख में रहोगे सुखी रहोगी, दुख में रहोगे दुखी रहोगी, और मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। देखो ये चार बहुओं की जो कथा है, गुरुदेव सुनाते हैं कि ये चार बहुएं जो है ना ये हमारे जीवन की कथा है। कैसे, जो पहली रानी थी, पहली रानी के विषय में बताया है, पहली रानी कौन है, जिसको वो हमेशा ख्याल रखता था, पूरी उसकी जरूरत की चीजें लाकर देता था, वो पहली रानी है, ये हमारा शरीर है, जब भी इसको जिस भी चीज की जरूरत होती है इसको हम अच्छा अच्छा खिलाते हैं, रोज सुबह शैम्पू साबुन से नहलाते धुलाते हैं, अच्छा सजा कर रखते हैं, ठीक है। लेकिन जब हमारी अंतिम समय आएगा, जब प्राण छूटेंगे, तो सबसे पहले शरीर हमारा साथ छोड़ देगा, ठीक है। दूसरी रानी है, दूसरी रानी जो थी जो सबसे सुंदर थी, ये क्या था, ये है इंसान के पास जो पैसा होता है, ठीक है। तो जो दूसरी रानी होती है वो क्या कहती है कि तुम मरोगे और कब हम दूसरे शादी करेंगे, अर्थात हमारा जो पैसा होता है, जो भी आप जीवन भर इतना परिश्रम करके एकत्रित करके रहते हो, और हमारे मरने वाली जब स्थिति होती है तो हमारे बच्चे वगैरह जो होते हैं पहले बंटवारा करते हैं बाद में अर्थी उठती है, ऐसे काफी सारे केसेस तो ऐसे गए कि जब तक साइन नहीं होते बंटवारा नहीं होता तब तक अर्थी वो लोग जलाते नहीं है। ये दूसरी चीज है पैसा, लेकिन हम जब मरेंगे तो हमारे साथ एक पैसा नहीं जाएगा, सारा पैसा यही रह जाएगा, बेटे बहुए जो है सब उसको हर। तीसरी जो रानी थी जो थोड़ी मीठी मीठी बातें करती थी, ये तीसरी रानी कौन है, ये हमारे परिवार वाले या फिर जो भी हमारे पड़ोसी जिससे हमारे सगे संबंधी हैं, वो ये तीसरी रानी का प्रतीक है। ये क्या है, अच्छी अच्छी बातें करते हैं, थोड़ा सुख में थोड़ा बात भी करते हैं, लेकिन अंतिम समय में तक क्या करके पहले नंबर आते हैं पत्नी की, पत्नी से पूछे जिसकी टिमिटी बोली सुनता था, पत्नी से पूछे साथ में चलोगी, बोले हाँ चल सकती हूँ लेकिन दरवाजा तुझे चलो, बोले आगे और तेरे साथ में मैं नहीं जा सकती हूँ। परिवार वालों से पूछे साथ में चल, बोले क्यों नहीं, तेरे लिए बढ़िया रथ बनेंगे, आरती सजाएंगे और राम नाम सत्य करते करते शमशान तक ले जाएंगे, बोले फिर बोले वहीं पर चिता में लेट करके फूंक करके और टाक करते वहीं से हम वापस आ जाएंगे, बोले आगे और नहीं जा सकते।
अभी जो चौथी रानी है, राजा जिसको जीवन में सबसे ज्यादा नेग्लेक्ट कर रखा, ये बेकार किसी काम की नहीं, कचड़े कूड़े जैसे, लेकिन जब अंतिम समय में पूछा साथ में चलोगी, बस वही केवल लास्ट में राजी होती है, बोले राजा तेरे को जीवन में सबसे ज्यादा मैं प्रेम करती हूँ, लेकिन दुख का विषय ये है तुमने एक बार मेरे तरफ में झांक कर भी नहीं देखा, तुमने कभी मेरे को पूछा नहीं तेरे पास में साड़ी साबुन तेल है कि नहीं, लेकिन तुमने जो कुछ किया किया कोई बात नहीं, लेकिन तेरे साथ साथ चलूंगी, सुख में सुखी और दुख में दुखी बनूंगी। यदि ये कौन है जिसको जीवन में हम सबसे ज्यादा नेग्लेक्ट करके रखे, यदि ये भगवान की भक्ति और ये भगवान के नाम है। अगर किसको बोले ना भैया बैठ करके 10 मिनट ठाकुर के लिए माला जप करो, बोले पेट भरेगा, माला जपने से पेट भरेगा, जिसका कोई काम धाम है नहीं ना, कोई सब माला लेकर के हरे कृष्ण करते रहते। हमारे तो बहुत सारी सिनेमा जाना, घूमना, बेटी बहू की बात करना, दुनिया की टीवी देखना, लेकिन आंख बंद करते ही अभी प्रभु जी बताए थे ना अंतिम समय में क्या बोलते बोलते ले जाते हैं, कोई बोलता है तेरे बेटा सच्चा है, कोई कहता है तेरे बेटी सच्ची है, कोई बोलते है तेरे दुकान मकान सच्चा था, तेरे सब कोई बात झूठा है। तुमने प्रभु की भजन के बगैर तुमने जो कुछ किए हो तुमने संपूर्ण झूठे में बिताया, एक सुई धागा भी तेरे साथ में यहाँ से नहीं जा रही है, इसलिए मीरा कह रही है पायो जी मैंने राम रतन धन तो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, इसलिए मीरा कहती है तुमने क्या पाया है जीवन में, बोले राम रतन धन पायो, बोले ये धन कैसे है, बोले वस्तु अमोल तो दी मरे सदगुरु कृपा करे अपनायो पायो जी मैंने, बोले धन कैसे, बोले जन्म जन्म की पूंजी पाई और जग में सभी को पायो, बोले चोर नहीं लेवे लूटे नहीं जावे दीन दीन बढ़त सबाए, जो धन को कोई नहीं ले सकते हैं, अगर जिस धन को पति कमाएगा ना जिसको पत्नी नहीं ले सकती है, जिसको पत्नी कमाता है जिसको पति नहीं ले सकता है, जिसको बच्चे कमाते हैं जिसको पिता नहीं ले सकते हैं, जो कमाएगा केवल वही उसकी मालिक बनेगा, इस जीवन में तो मालिक बन वही और अगले जीवन में भी पूरा के पूरा तुमको मिलेगी, इसलिए बोले दीन दीन बढ़त सबाए, अगली जीवन में ब्याज समेत तुमको लेगी, उसको कोई नहीं ले सकते हैं। लेकिन हमारे गुरु जी कहते थे, हाँ ध्यान देकर सुनो, यही भागवत कथा की सार है, जैसे हमारे पास में आज 100 करोड़ों की प्रॉपर्टी है, कितने प्रॉपर्टी है 100 करोड़ों की, आज हम मालिक है, ये शरीर अभी छूट जाएगा, आप बताओ आपको साथ में कितने पैसा यहाँ से जाएगा, आज हमारे पास में 100 करोड़ प्रॉपर्टी की मालिक आ जाए, ये शरीर केवल चोला बदल जाए, बताओ तो कितने पैसा साथ में जाएगी, जाएगी एक भी पैसा हम छू नहीं सकते यहाँ से है, एक भी नहीं। हमारे गुरु जी कहते थे मानो नेत जन्मने तुम्हारे पास घर में जन्म हो गई, लेकिन इतने गरीब घर में जन्म हुए अभी तुम्हारे पास में खाने का रोटी भी नहीं, लेकिन यार है मेरे बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये मेरी दुकान मकान तुम्हें याद है, जाकर के बेटा पूछो पहले जीवन में ये सारे दुनियादारी मैंने कमाया, अभी मेरे को रोटी खाने का पैसा नहीं, बताओ तुम्हारे बच्चे देंगे ना अपने, देगी कोई, कोई भी नहीं देगा, कोई भी देगा नहीं, लेकिन ऐसे कौन सा धन है जो इसी जीवन में कमाते कमाते जाओगे तो अगले जीवन में पूरा के पूरा मिलेगा, कहते पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, यही धन ही हमारे साथ में जाने वाले। अब से एक प्रश्न कह रहा हूँ, उनने 4 रानियों की कथा सुनाई, बताओ कौन सा रानी को हमें जतन ध्यान देनी चाहिए, पैर पूरा मेरा रख बताओ जोर से, हाँ लगता है आप लोग सब बड़े बड़े पंडित है, हाँ आप लोग एकदम समझ गए हैं, इसलिए हमें चौथी रानी को हमें ध्यान देना है, क्या करनी चाहिए, सवेरे उठो, उठ करके थोड़ी समय नहा धो करके ठाकुर के सामने बैठो, ठीक है ना, बैठ करके माला लेकर बैठो और थोड़ी समय भगवान की नाम जप करो,
थोड़ी समय ठाकुर जी की भजन करो। इसलिए देखो हमारे जो बड़े गुरु जी के जो गुरु जी थे ना, जिसने संपूर्ण विश्व में ये सनातन धर्म जिसने प्रचार किया है, वो कहते थे देखो 8 घंटा सो, 8 घंटा काम करो और 8 घंटा भजन करो। 8 घंटा सोने के लिए बहुत, कितना सोते हैं? 8 से ज्यादा कोई सोते हो नहीं। और 8 घंटा काम करो और 8 घंटा क्या करो, भजन करो। अगर कोई बोलेगा नहीं 8 घंटा काम करने के लिए कम है, अगर 8 घंटा नहीं फिर 12 घंटा काम करो। कितने घंटा काम करो? कितने? 12 घंटा करो और 8 घंटा सो। अभी कितना समय बचेगा? अभी भी 4 घंटा बच रही है। वो संत कहते थे, ध्यान देकर सुनो, वो संत क्या कहते थे, जिसने इसको न सुने होंगे, जिसने संपूर्ण पृथ्वी में हमारे सनातन धर्म को फैलाया, वो कहते हैं जो सवेरे जो 2 घंटा है ना, अपना अपना परिवार को समझो, ये सब शत्रु हमारी है, ये हमारे कोई कुछ हमारे नहीं है, हमसे कुछ नहीं लगते हैं। और तट करके सवेरे 2 घंटा गीता रामायण भागवत पढ़ो, नाम जप करो, फिर परिवार को मित्र मानो, अपना परिवार को मित्र मानो, फिर शाम को काम करके आओ, फिर 2 घंटा बैठो, फिर रामायण भागवत भगवान का नाम जप करो। क्यों? यही तुम्हारी साथ में जाने वाले। 2 घंटा फिर बैठो, समझो ये परिवार हमारे कोई नहीं है, कुछ हमारे नहीं है, सारे मन को परिवार से हटाओ, हटा करके फिर जब 2 घंटा खत्म हो जाए फिर अपने परिवार को अपना मानो। वो संत ऐसे कहते थे। देखो हमारे जितने पूर्वजों को देखो, घर में तुम्हारी माता जी को देखो क्या करते थे, सर उठ करके गोपाल जी को स्नान करना, ठाकुर जी का आरती करना, तुलसी पूजा करना, रामायण पढ़ना, गीता पढ़ना और भगवान की माला जप करते थे। करते थे कि नहीं? यही करते, शाम को भी बैठकर भजन करते थे। लेकिन ये जो टीवी फीवी ये सब आ करके ना हमारी संस्कृति सब हो गया, बस समय होते ही टीवी खोल करके बैठ जाओ है। हाँ, अगर टीवी खोलते हो अच्छे चीज को देखो, संस्कार में जिसमें सत्संग आता होगा, भगवान की भक्ति की कोई चीज आती होगी, गंदी गंदी उल्टा पुल्टा फिल्म नहीं देख करके ऐसी कुछ चीज देखो जिसमें तुम्हारे पर अच्छे संस्कार पड़े और भगवान की भक्ति करते रहो। हाँ देखो कल है, कोई कोई व्यक्ति बोले हमें माला चाहिए भजन करने के लिए, कुछ कुछ भक्त हमें माला मांग रहे थे। देखो ये जो चौथे स्त्री है ना, यही भगवान की माला है, भगवान की माला केवल यही काम करेगी। अगर जिसकी इच्छा होगी हम माला जप करना चाहते हैं, भगवान की भक्ति करना चाहते हैं, हरे कृष्णा, अगर भी माला जप करना चाहते हो, कल सवेरे हमारे जो चौहान माता जी है, जो चौहान जानते हो, चौहान माता जी को उनका यही पास कितना नंबर है, हाँ जो इलेक्शन में खड़ी हुई थी, इसलिए अगर सवेरे 8 बजे अगर हम कोई आओगे, हम माला जप करना चाहते हैं, हम उनके घर में सवेरे 8 बजे आएंगे और हम माला देंगे, ठीक है? इसलिए जो आना चाहते हो कल आके माला लेकर के जाना और भगवान की भक्ति करना। अगर अपना बच्चों को अगर भजन वर करवाना चाहते हो, अपना बच्चों को भी आप ला सकते हो, ठीक है? बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री श्री राधे। हाँ राधे राधे। अभी हम राधा रानी की जन्म की कथा सुनेंगे। अभी बस श्रीमती राधा रानी जोर से जयकार दो, अभी राधा रानी आने वाली है। बस श्री राधा रानी जय, जय श्री राधे। देखो ये जो श्रीमद् भागवत ग्रंथ है, अगर ये ग्रंथों को आप डायरेक्ट पढ़ना, आपको कहीं राधा जी के नाम कहीं नहीं मिले। इसलिए कुछ कुछ लोगों का प्रश्न है, जैसे आप लोग वृंदावन में जाओ, वृंदावन कौन कौन गए हो? वृंदावन कौन गए हो आप? देखना वृंदावन तो श्री बांके बिहारी आ गए, लेकिन वहां पर देखना कोई भी कृष्ण का नाम नहीं लेते हैं। वहां पर किसके नाम लेते हैं?
जोर से बोलो, वहां पर सबके सब श्री राधा जी का नाम लेते हैं, हैं? राधा जी के लिए कुछ लोगों का प्रश्न है, आप तो बड़े राधे राधे राधा बोलते रहते हो, लेकिन ये भागवत में ये राधा जी का फिर नाम क्यों नहीं, इसका क्या रहस्य है? तब हमारे टीकाकारों ने बड़ी अच्छी अच्छी बात बताई, ये भागवत में राधा जी नाम है तो किस रूप में, अगर नहीं तो क्यों श्री राधा का नाम इसमें क्यों, इसका क्या कारण है? ये जो ग्रंथ हम सुन रहे हैं, हम लोगों को बताओ तो ये ग्रंथ नाम क्या है, बताओ तो ये जो ग्रंथ हम सुन रहे हैं ग्रंथ का नाम क्या है, क्या जोर बोला? नहीं, आप सही नहीं बताए, इसका नाम है श्रीमद् भागवतम। क्या है? श्रीमद् भागवतम। बल ये श्रीमद् का मतलब क्या है? बस श्री मतलब होता है सोहा सौंदर्य वाल लक्ष्मी, इसलिए मूल लक्ष्मी कौन है? बल श्री राधा रानी। बल ये श्रीमद् का मतलब है जिसमें राधा जी की मद, मद मतलब प्रेम। ये भागवत में केवल राधा जी की प्रेम और इसमें कुछ है ही नहीं, इसमें और कुछ है ही नहीं। अभी प्रश्न है, इसे स्पष्ट रूप में राधा जी का नाम क्यों नहीं बताया? बल इसका कारण बताए, अभी सुखदेव गोस्वामी को 7 दिन में भागवत कथा सुनना, लेकिन जब श्री राधा जी का नाम वो एक बार उच्चारण करते थे वो 6 महीना तक तो बेहोश हो जाते। उन्होंने देखा अगर एक बार राधा जी का नाम लू और 6 महीना बेहोश हो गया फिर भागवत कथा कैसे सुना, इसलिए उन्होंने श्री राधा जी के नाम को उन्होंने ग्रहण नहीं किया। बोले ये एक कारण है। दूसरा कारण है राधा रानी ने मना की है, बोले मेरे नाम को कहीं स्पष्ट रूप में मत लेना, अगर लेना तो मेरे नाम को छुपा करके लेना, स्पष्ट रूप में मेरे नाम को ग्रहण नहीं करना, ये दूसरा तात्पर्य। तीसरा अर्थ है, आप लोग मेहंदी हाथ में लगाते हो? कौन कौन मेहंदी हाथ लगाते हो? आप लोग बताओ तो, मेहंदी पत्ते देखे हो? मेहंदी पत्ते, ये मेहंदी पत्ते का रंग कैसे है? क्या है? हरा है। लेकिन क्या असली मेहंदी का पत्ते का रंग हरा है? लेकिन आप जो उसको पीसोगे ना वो भी हरा हरा दिखेगी, लेकिन जब आप हाथ में लाओ रंग हो जाता है, लाल हो जाता है, लेकिन वो ऊपर से क्या दिखती है? हरा हरा दिखती है, लेकिन अंदर में श्री लाल लाल है। उसी तरह ये भागवत ऊपर से क्या दिखती है? जैसे कृष्ण 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 कृष्ण, वो लगता है राधे 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 राधे। इसलिए भागवत में राधा जी के नाम छोड़ करके इसमें कुछ नाम है ही नहीं, सर्वत्र श्री राधा जी की ही नाम ये भागवत में। बोले श्रीमती राधा रानी की, कहते श्री वृषभानु महाराज, इनके एक पुत्र था जिसका नाम था श्रीदाम भैया, लेकिन घर में कोई लाली नहीं, इनके मन में इच्छा है घर में एक लाली होनी चाहिए, क्यों? घर में कोई लड़की जन्म हो तो दुनिया कहते घर में लक्ष्मी आई। वृषभानु महाराज रोज जाते थे यमुना में स्नान करने के लिए, एक दिन ब्रह्म मुहूर्त में गए तो देखा एक सुंदर सतदल कमल फूल को ऊपर में बड़ी सुंदरी एक थी, बड़ी सुंदरी एक बालिका किलकई मारते हुए उसकी शरीर की ज्योति से चतुर्दिग उद्भासित तो हो रहा है, आलोक आलोक हो रहा है, वो बहते 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 आ रही है। इतने में वृषभानु महाराज पानी में उतर गए, ये बेटे उन्होंने अपना गोद में ले लिया। बोले श्रीमती राधा रानी, तब उन्होंने अपना पत्नी श्री कीर्तिका सुंदर की दी। बोले कीर्ति दे, ठाकुर जी की बड़ी कृपा है, हमें एक लाली मिली है। इतने में नारद जी ने देखा कृष्ण गोकुल में जन्म हुए, लेकिन राधा तो कहीं ना कहीं आई होगी, क्योंकि राधा के बगैर कृष्ण आधा है, और राधा रानी ये पूर्ण शक्ति कृष्ण ये पूर्ण पुरुषोत्तम है, इसलिए राधा रानी कहीं ना कहीं राधा रानी जन्म। अब श्री नारद जी गली गलियों में सर्वत्र जा रहे, घर घर में पता लगा रहे हैं कहाँ राधा रानी जन्म हुई,
कहीं लीता कहीं विशाखा कहीं तुंग विद्या, लेकिन राधा रानी नहीं मिल रही। अभी उन्होंने राधा रानी को ढूंढते ढूंढते जब उन्होंने पूछे श्री जब रावण पूछे वृषभानु महाराज से पूछे आपका घर में कोई संतान हुई है, तब उन्होंने श्रीधाम को दिखाया, बोले कोई बेटी हुई हो गई, बोले हाँ एक बेटी तो हुई है, बोले ला करके दिखाओ, जब लाए श्री नारद जी पहचान गए, यही तो कृष्ण की पुरस्कार ला रहे। अभी राधा जी की थोड़ा स्तुति करना चाहते हैं, उन्होंने बहाना बनाए थोड़ा फूल लेके आओ, तुम्हारी लाली को मैं आशीर्वाद करना चाहता हूँ। जब फूल लेने के लिए गई, इतने में राधा रानी एकदम किशोरी बन जाती है, साथ में प्रकट हो गई। नारद जी को बोले नारद जी क्या देख रहे हो, राधा जी स्तुति कर रहे, राधा रानी अंतर ध्यान हो जाएगी। फिर नारद जी एक बड़े भजन हो गया, देखो ध्यान देकर देखो, इसका नाम है राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र। इसका मतलब है अगर ये स्तोत्र को कोई गाया उसको ऊपर में राधा जी की जरूर कृपा होगी। अगर कोई राधा कुंड में खड़े होकर के पानी में 108 बार केवल ये स्तोत्र को पढ़ लो, कहते राधा रानी स्वयं ये राधा कुंड से प्रकट होकर के राधा रानी स्वयं दर्शन देती हैं। इतने महिमा ये अष्टक, इतने महिमा राधा रानी कौन है, कहते जगत में जितने शक्ति उमा रमा दुर्गा चंडी जितने हैं ये सब के सब राधा जी के प्रकाश हुए। जब हम श्री राधा जी को स्तुति कर देते हैं, एक देवी नहीं अनंत करोड़ों देवियां अपने आप प्रसन्न हो जाती है। इसलिए आप लोग हो सके तो इसको संग्रह करना और ये स्तोत्र को रोज सवेरे सवेरे गाना। अभी हम इसका दो श्लोक हम गाते हैं, अभी ये दो श्लोक को सुनते हैं। मुनीन्द्र बिंद बंदिते त्रिलोक सोत हरि नि सदन भक्त राधा रानी को ले आ, राधा रानी को ब्रजेन्द्र सुनो मंगते सदादरी दही हमा कृपा कटाक्ष भाजनम अशोक ब्रीज मलई बीतान मंद पासिते प्रवाल वाल भल्लव महाराज पूरा ब्रज मंडल में नौता मिला दिया, मेरे घर में लाली भाई है, सबके सब दर्शन करते हुए आओ। राधा रानी जब से जन्म हुई तब से आकर हुई, बोले सर्वप्रथम मैं अपना प्रियतम कृष्ण को देख करके फिर दुनिया को मैं देखूंगी। मैया जसोदा कृष्ण को लेकर के आए और एक पल्ले में सुला दिया, तो कृष्ण अपना हाथ को सबसी राधा रानी को रखे। इतने में राधा रानी आंख खोल करके सामने श्री कृष्ण को दर्शन करती है। यहाँ पर दो चेयर दे दो, यहाँ पर दो चेयर दे दो, हेड पास में कोई चेयर है, दो चेयर इनको दे दो, वहां से दो चेयर उठा दे श्री राधा। देखो ये छोटा बच्चा ये दो मिनट एक भजन गाएगी। मैं श्रीधर महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। कर दो, करा दो। आप सब एक बार मेरे सबके पीछे बोलिए।
बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राम। प्रभु जी अभी एक बधाई गाएंगे राधा जी की, राधा रानी की बधाई में नाचने का बड़ा भाग्य है। राधा जी है ना, इनकी कृपा से खूब लक्ष्मी आई, इसलिए सबके सब खड़े हो जाओ। अब जो नहीं नाचे हैं अभी सबके सबको नाचना है ना, अर्थात सबके सब नाच के राधा की कृपा है, सबको ऊपर में राधा जी की कृपा हो, सबके सब नाचना। बोलो राधा रानी, राधा रानी को भयो अवसा बधाई मारे, राधा रानी को Thank you.
बार सभी लोग हाथ उठाएंगे, हाथ उठाकर बोलना है निताई गुरु हरि को छुना है महाराज जी रोज कहते हैं तो जितने जो छलांग लगा सके पीछे ऐसे ही खड़े हैं, पीछे आगे भी ऐसे खड़े हैं, पीछे सब लोग आ दूंगा, केवल सामने कुछ भक्त ही। हाँ, एक बार जोर से चलन लगा के धर्म का प्राणियों में विश्व का सनातन धर्म की गौ माता की सब संतन की सब भक्तन की खुड़ा के भक्त वृंद की भारत माता की आदि के आनंद की हरिनाम संकीर्तन की जय जय श्री राधे। हरे कृष्ण। जिनको ये माला लेनी है महाराज जी से वो कल सुबह 8 बजे धर्म सिंह प्रभु के यहाँ अर्थात चौहान माता जी के यहाँ सामने गली में इसके पीछे पहुंच जाए और जिनको जिनको माला लेनी है वो करेक्ट 8 बजे वहाँ पहुंच जाए। हरे कृष्ण। सभी लोग प्रणाम करें। जय श्री श्री गुरु गोरानंद जी की। रुक जाओ भूल गया था। Down!
महाराज।